इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलेने की रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आप सभी को कॉन्सेप्ट का खजाना पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग क्लास टेंथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्ज गुणन विधि। तो वर्ज गुणन विधि को अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बात को हम लिखे हैं कि माना कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और रैखिक का मतलब होता है कि वैसा समीकरण जिसका घात एक हो, तो उसको हम लोग निम्न प्रकार कैसे लिखते हैं वो देखिए। तो लिखे हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर के बाद क्या चीज जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस में सी टू बराबर के बाद क्या है जीरो। अब यहाँ से देखते हैं कि वर्ज गुणन विधि से बनाने का क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहां से हम लोग देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट का नाम रखेंगे तोपा तोपी कॉन्सेप्ट। जिसको लेंगे उसको तोपेंगे। तो अगर हम एक्स को लेते हैं तो एक्स को तोपेंगे, ध्यान दीजिएगा, जिसको लेंगे उसको तोपेंगे। तो एक्स को लिए तो एक्स को तोपे। अब चलिए गुना करेंगे, बी वन सी टू, बी वन गुना सी टू, बीच में माइनस का चिन्ह होना चाहिए, ऊपर गुने नीचे। अब चलेंगे नीचे गुने ऊपर, तो बी टू गुना में हो जाएगा कौन सी सी वन, क्या हो जाएगा सी वन। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऊपर गुने नीचे माइनस नीचे गुने ऊपर, अब देंगे बराबर का सिंबल। अब चलना है किसके पास चलेंगे, ये मेट आ गया, इसको लिख देते हैं। अब चलना है किसके पास, तो y के पास चलेंगे। तो जिसको लेना है उसको तोपना है, तो जिसको लेंगे उसको तोप दिए। चलिए अब क्या करना है, अब चलना है c1 गुना a2, c1 गुना a2 माइनस c2 गुना a1, c2 गुना a1, क्लियर है। अब बराबर, अब चलना है अचर पद के साथ, तो अचर पद को हम लोग क्या करेंगे तोप लेंगे। तोपने पर यहां पर कुछ भी संख्या रहेगा लेकिन लेना है वन, क्या लेना है वन। अब चलिए गुना कीजिए, ऊपर गुने नीचे मतलब ए वन गुना बी टू माइनस ए टू गुना बी वन, ए टू गुना कौन सी बी वन। अब देख लीजिए यहां पर आ गया, ये वाला याद करने का ट्रिक देखिएगा, तो ये आपको आ जाएगा बारह, इसका उल्टा हो जाएगा इक्कीस, ध्यान दीजिएगा, ये फिर आ गया बारह, इसका उल्टा हो जाएगा फिर इक्कीस, ये आ जाएगा आपको बारह और ये इसका उल्टा हो जाएगा इक्कीस, ध्यान दीजिएगा। पहले आ जाएगा बी सी का कॉन्सेप्ट, देखिए बी सी बी सी, तब आ जाएगा सी ए का कॉन्सेप्ट, सी ए सी ए, फिर आ जाएगा ए बी का कॉन्सेप्ट, क्लियर है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को याद करना है। फिर से इसको देखिए, जिसको लेना है उसको तोपना है, तो एक्स को लेना है एक्स को ढकेंगे, गुना करना है ऊपर गुने नीचे मतलब बी वन गुना सी टू, क्लियर है, माइनस नीचे गुने ऊपर बी टू गुना सी वन, क्लियर है। अब आगे चलेंगे तो बराबर का सिंबल होगा, वाई को लेंगे वाई को ढकेंगे, चलिए अब गुना करेंगे ऊपर गुने नीचे सी वन गुना ए टू माइनस, चलिए अब ऊपर गुने नीचे गुने ऊपर तो सी टू गुना ए वन, क्लियर है बराबर। अब सी वन अचर पद को लेंगे तो अचर पद को ढकेंगे तो वन लेंगे, जो भी संख्या रहेगा लेकिन वन लेंगे। अब चलिए गुना करेंगे ऊपर गुने नीचे मतलब ए वन गुना बी टू माइनस, यहां ध्यान दीजिएगा ए टू गुना बी वन मतलब नीचे गुने ऊपर, क्लियर है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट वर्ज गुणन विधि का बनाने का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अब इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को देखते हैं, क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है कि वर्ज गुणन विधि से हल करें
समीकरण दिया है 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस वाई बराबर कौन सी है 0। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सोल्व तो सबसे पहले जो दिया गया समीकरण उस समीकरण को लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, इसको हम लोग समीकरण कितना कर लेंगे 1। आगे है 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर के बाद कौन सी 0। समीकरण एक और समीकरण दो हो गया है। यहां से ए वन बी वन सी वन का वैल्यू पता करते हैं, तो समीकरण वन से ए वन बी वन सी वन का वैल्यू पता हो जाएगा। समीकरण दो से ए टू बी टू और सी टू का वैल्यू पता होगा। तो हम लोग लिखते हैं यहां पर, यहां ए वन बराबर, फिर लिखेंगे बी वन बराबर और फिर सी वन बराबर। इधर हम लोग कर लेते हैं ए टू बराबर बी टू बराबर और कौन सी सी टू बराबर। तो समीकरण वन से ए वन बी वन सी वन ऐसे एक एक है, तो समीकरण वन से ही चलेंगे। तो एक्स का गुणांक कितना है 2 है ए वन का वैल्यू। आगे हम लोग चलते हैं बी वन के लिए, तो वाई का गुणांक कितना है तो 1 है, तो बी वन का वैल्यू। सी वन का वैल्यू अचर पद कितना है तो माइनस 5 है, तो माइनस 5 को लिखे। अब ए टू बी टू सी टू पता करना है, तो टू से समीकरण टू से पता करेंगे। तो ए टू का मान बोलिए कितना होगा, तो एक्स का गुणांक होगा 3। अब बी टू का वैल्यू तो वाई का गुणांक कितना 2, सी टू का वैल्यू अचर पद तो माइनस कितना 8। ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ये क्लियर है। आप उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा तरह से क्लियर समझ में आया होगा। अब हम लोग को कहता है किस विधि द्वारा, तो सर कह रहा है वर्ज गुणन विधि द्वारा। तो घबराना नहीं है, यहां पर लिखेंगे वर्ज गुणन विधि द्वारा। अब ध्यान देंगे वर्ज गुणन विधि द्वारा। अब वर्ज गुणन विधि द्वारा से हम लोग चलेंगे, तो हम आपको बताए थे कि जब आपको ये भी पता न रहे और निकालने का यदि मन न करे, तो बताए थे तोपा तोपी कॉन्सेप्ट। क्या है तोपा तोपी कॉन्सेप्ट? तो बताए थे कि जब आपको नियम्बा याद नहीं रहेगा, तो बिना नियम याद नहीं रहेगा तो कैसे बनाइएगा, तो कॉन्सेप्ट लीजिए तोपा तोपी कॉन्सेप्ट। क्या करेंगे यहां पर, जिसको लेना है उसको तोपना है, तो एक्स को लेना है तो एक्स को तोप देंगे, ध्यान दीजिएगा, बटा जिस विद्यार्थी को फॉर्मूला याद नहीं होता उस विद्यार्थी के लिए कर रहे हैं। तो जिसको लेना है उसको तोप देना है, तोप दिए, बस कॉन्सेप्ट है ऊपर गुने नीचे 1 गुना माइनस 8, क्लियर हो गया, बीच में माइनस का चिन्ह, नीचे गुने ऊपर, तो हो जाएगा 2 गुना में कितना हो जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? बराबर करेंगे, अब ध्यान देंगे जिसको लेना है उसको तोपना है, तो वाई को लेना है तो वाई को तोपेंगे, कॉन्सेप्ट होगा ऊपर गुने नीचे, तो माइनस 5 गुना में बोलिए बगल में कितना है तो 3 है, बीच में माइनस का चिन्ह होगा, क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं, यहां समझ में आ गया कि ऊपर गुने नीचे, तो चलेंगे नीचे गुने ऊपर, तो माइनस 8 और गुना में आपका क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। बराबर कर लेंगे, अचर पद को लेंगे तो 1 लिखेंगे, बट्टा देंगे ऊपर गुने नीचे, तो 2 गुना 2, 2 गुना 2 माइनस हो जाएगा ऊपर गुने नीचे, तो नीचे गुने ऊपर, तो 3 गुना में कितना 1। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब आपको फॉर्मूला याद है तो आराम से लिख करके बना लीजिए, यदि याद नहीं है तो बस तोपा तोपी कॉन्सेप्ट ये भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से बन गया। आप देखिए इम्प्लाइज डेट एक्स बटा पर माइनस 8 में जब 1 से गुना करेंगे तो माइनस 8 ही प्राप्त होगा। अब यहां देखिए माइनस में 2 है और माइनस 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 गुना क्या हो जाएगा 10 बराबर वाई बटा में माइनस में प्लस है तो माइनस 5 लिया 15। अब देखेंगे माइनस है और प्लस है, तो ध्यान देंगे यहां पर माइनस में प्लस है तो माइनस और फिर माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, और 8 दुना क्या हो जाएगा तो 16 बराबर, यहां पर ध्यान देंगे 1 बटा पर 2 दुना कितना तो 4 और माइनस 3 में 1 से तो कितना हो जाएगा 3। अब ध्यान देंगे यहां पर कि एक्स बटा पर 10 और माइनस में यहाँ 8 है तो प्लस में हो जाएगा 2 बराबर वाई बटा में माइनस 15 प्लस 16, तो ये हो जाएगा कितना तो 1 हो जाएगा बराबर 1 बटा में 4 में से 3 घटाओ 1 होगा, क्या होगा 1। अब यहां से देख लीजिए,
एक्स और वाई का वैल्यू, तो यहां से लिखेंगे इसलिए एक्स बट्टा दो, एक बार ये चल जाएगा इसके साथ और ये वाला चल जाएगा इसके साथ, बताइए एक्स बट्टा दो बराबर वन बट्टा वन, वन बट्टा वन, बोलो कोई दिक्कत है? अब इधर हम लाइनिंग खींच लेते हैं, अब देखिए वाई बट्टा वन बराबर वन बट्टा वन, वाई बट्टा वन बराबर वन बट्टा वन। अब बताइए कि यहाँ पर कैचिया कैची गुना कर लेंगे तो वन में वाई से गुना तक, वन में एक्स से गुना तो एक्स हो जाएगा और दो में वन से गुना तो दो हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया दो, वन में वाई से गुना तो वाई और वन में वन से गुना तो कितना हो जाएगा वन। इसको हम लोग बोल सकते हैं कैचिया कैची गुना एकरा में एकरा से, एकरा में एकरा से, एकरा में एकरा से, एकरा में एकरा से, क्लियर है? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये एक्स का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू है, वाई का वैल्यू है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर लिखेंगे सुंदर से, अतः एक्स तथा वाई का मान, वाई का मान क्रमशः, क्रमशः एक्स का वैल्यू कितना है तो दो है एवं और वाई का वैल्यू कितना है तो वन है। अब यही हो गया आपका कौन सी आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वर्ज गुणन विधि आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आया होगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट लें। अगर कोई भी नियम याद नहीं है तो तोपा तोपी कॉन्सेप्ट, एक बार और बोलते हैं, जिसको लेना है उसको तोपना है, तो एक्स को लेना है तो एक्स को तोपेंगे, बाकी बात का गुना ऊपर गुने नीचे, फिर नीचे गुने ऊपर। वाई को लेना है वाई को तोपेंगे, ऊपर गुने नीचे, नीचे गुने ऊपर। अब फिर अचर पद को लेना है तो ढकेंगे, एक लेंगे अचर पद में जो भी संख्या रहे, गुना करना है ऊपर गुने नीचे, माइनस नीचे गुने ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वर्ज गुणन विधि बहुत अच्छा तरह से समझ में आया होगा। यदि अच्छा तरह से समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर आप भेजें, ताकि वर्ज गुणन विधि बहुत सारे दोस्तों को समझ में, बड़ी कठिनाई होती है, नियम्मा याद नहीं रहता है, जब नियम्मा याद न रहे तो ढकना ढकनी मेथड से, तोपा तोपी मेथड से हम लोग कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक।